नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान यः स वै शुद्धदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो उज्जवणम् उज्जवणम् निवहणम् साहणम् च नितरणम् दंसणनाणचरिततवाण माराहणाभणीया ओङ्कारम् बिन्दुसंयुक्तम् नित्यम् ध्यायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् चैव ओङ्काराय नमो नमः अविरलशब्दघनौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिभिरुपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दूरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जयशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीपरमगुरवे नमः परम्पराचार्यगुरवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमुकमाटीनामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः तेषां वचोऽनुसारमासाद्य आचार्य विद्यासागरजी विरचितग्रन्थमिदं मङ्गलं भूयात् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवरों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों सब प्रेम जय जिनेन्द्र। हमने अभी अभी नवनिर्वाण वर्ष महोत्सव मनाया। भगवान की दया है कि मंदिर अब की बार खुले मिले। मंदिर में जाकर हमने निर्वाण लाडू भी चढ़ाया और बहुत दर्शन अभिषेक पूजन कर हम बहुत अत्यधिक आनंदित भी हुए। खुशी की बात है कि गत कई महीनों से बंद मंदिर अब खुल गए हैं और जगह जगह दर्शन पूजन का लाभ सभी को मिल रहा है। हम मूकमाटी का अगला जो कार्य है अगला जो विषय है उसे आरंभ करते हैं। हम
229 पेज पर हम चल रहे थे, उसका पहला थोड़ा सा भाग आपको याद हो इसलिए पूर्वावलोकन करते हैं कि तीन बदलियों से कुछ काम न बनता देखकर स्त्रियों के स्वभाव को कुछ अनुपयुक्त सोचकर सागर ने अपना सूर्य के प्रति, धरती के प्रति अपना प्रतिशोध भाव को आगे बढ़ाते हुए तीन बादलों की नियुक्ति की। वे तीन बादल कृष्ण कापोत नील रंग के थे, तीन लेशाओं के रंग थे। उनके दुष्ट भावों का वर्णन भी आचार्य श्री ने बखूबी किया है और उस पर से हमने देखा है कि समाज के कुछ ऐसे लोगों का यह वर्णन बिल्कुल पढ़ने पर प्रतीत होता है। हम एक बात और सोचे कि ऐसे दुष्ट लोगों को कोई सीधा नहीं करना चाहता, सीधे करने के लिए वो एक प्रकार से डर उनके मन में रहता है और इसके लिए आचार्य श्री ने भूत की उपमा दी है कि भूतों से लोग भय खाते हैं और भूत से देखकर लोग भाग जाते हैं। परंतु इन्हें देखकर, इन काले बादलों को देखकर दूर से ही लोग भयभीत होकर, अमावस्या भी भाग गई और चंद्रमा की स्थिति तो क्या हो गई, चंद्रमा से कोई लड़की सुंदर सुंदरी विवाह करने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने काली लड़की निशा, उसकी बहन अमावस्या की, उसे पसंद कर लिया और उसी से विवाहित हो गया या उसी से उसने प्रेम कर लिया। क्यों? इस काले कारनामे के कारण, ऐसा कारनामा कि जो सागर की मदद कर रहा था तो ऐसे दुष्ट लोगों की मदद करने वाले की भी कोई मदद नहीं करता, कोई उनके पक्ष में नहीं जाता और ऐसे दुराचारी लोगों के यहाँ कोई अपनी लड़कियां भी नहीं ब्याहता। एक प्रकार से ऐसा विचार इसमें से अनायास मेरे मन में आया। अब हम आगे चलेंगे, 229 पेज पर हम चल रहे थे कि निशा इनकी बहन लगती है, सागर से शशि की मित्रता हुई, अपयश कलंक का पात्र बना शशि, चंद्रमा किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ, सो सागर को श्रेय मिलता यह, सागर को इसका श्रेय मिल गया। आगे चलते हैं, मोह भूत के वशीभूत हुए, कभी किसी तरह भी किसी के वश में नहीं आते, ये दुराशयी हैं, दुष्ट रहे हैं, दुराचार से पुष्ट रहे हैं, दूसरों को देख दुख देकर तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं, दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं, प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा है, जन्मजा है, वैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से, निर्दोषों में दोष लगाते हैं, संतोषों में रोष जगाते हैं, वंद्यों की भी निंदा करते हैं और शुभ कर्मों को अंधे करते हैं। ये सारा वर्णन सागर के लिए कहा है कि इनकी दुष्ट प्रवृत्तियां कैसी रहती है। तो ये सारे सागर जैसे सागर स्वभाव वाले लोग मोह भूत के वशीभूत हुए हैं, मोह के वशीभूत होकर ऐसे दुष्ट कार्य वे करते हैं कि कभी वे किसी के वश में नहीं आते। वे दुराशयी हैं, उनका आशय दुष्टपने का है, दुष्ट रहे हैं, दुराचार से वे पुष्ट होते हैं, अपने को वे दुराचार से पुष्ट करते हैं, दुराचार में ही आनंद मानते हैं, सुख मानते हैं और दूसरों को दुख देकर वे तुष्ट होते हैं, आनंदित होते हैं,
तृप्त होते हैं, बड़ी खुशी मिलती है उन्हें, और दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। अब पहले दूसरों को दुख देकर तुष्ट होते हैं और उनका दुख देकर भी वे तुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। तो दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। ये जो दूसरी बार दूसरा शब्द आया है, दूसरे के जो शांत स्वभावी है, कभी किसी के विवाद में नहीं पड़ते, अपना अपना कार्य शांतिपूर्वक करते रहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे स्वभाव के लोग समाज में होते हैं। ऐसे लोगों के प्रति, दूसरों को देखते ही, ऐसे दूसरे लोग, उनको देखते ही ये सागर जैसे दुष्ट लोग रुष्ट हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं और तप्त होते हैं। और इनकी प्रतिशोध की वृत्ति ऐसी है, सहजा है, सहजा, सहजा, सह जा, सह जन्मी हुई जा, जन्म, जैसे जा शब्द से बने कई शब्द हम उपयोग में लाते हैं। पंकज, कीचड़ से जन्मा हुआ कमल, पंकज, जलज, जल बादल, जलज बादल को कहते हैं, जल से जन्मा हुआ, जल शब्द जन्मा हुआ के लिए आया है। तो यह प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा है, इनके साथ में, सहज में जन्मी हुई है, जन्मता ही इनमें प्रतिशोध की भावना लेकर ये जन्मे हैं। जन्मता ही जो दुष्ट प्रवृत्तियां व्यक्ति में व्यक्त होती हैं, वे जन्मते ही कहां से आ गई? जरूर उनके पूर्व जन्म से वे अपने साथ में इस प्रकार की कलुषता, इस प्रकार के कषाय भाव, दुष्ट भाव, मोह के वशीभूत होकर वे साथ में लाए हैं। और जन्म जा है, ये प्रवृत्तियां जन्म के साथ ही उनके साथ जन्मी हुई है, सहजा है, सहजन्मी हुई है, उनके साथ जन्मी हुई है। और जन्म जा है, जन्म के साथ जन्मी हुई है। वैर विरोध की ग्रंथि यह इनकी, बड़ी पक्की गांठें इनके मन में ये लेकर जन्मते हैं कि वे गांठें, वे ग्रंथियां खुलती नहीं है झट से, बड़ी पक्की गांठें होती है वैर की, विरोध की। इनका विरोध कभी खत्म नहीं होता, इनका विरोध कभी समाप्त नहीं होता। वैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से। और ये क्या करते हैं, ऐसी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दूसरों की दुख देकर, दूसरों को तकलीफें देकर और दुराचार से पुष्ट होकर वे निर्दोषों को भी दोष लगाते हैं। ये विशेष बात उनमें होती है। समाज में ऐसे कई लोग दिखाई देते हैं कि जो निर्दोष में जो दोष नहीं होते उन्हें भी ढूंढते, कहीं से उकेर कर निकालते हैं और निर्दोषों में भी दोष लगाते हैं। और संतोष उनके मन में जो होता है, ऐसे सुष्ट लोगों के, शिष्ट लोगों के, सभ्य लोगों के, और जो अत्यंत शांतमय प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं, उनमें वे रोष जगाते हैं, उनको चाहने वाले में भी रोष जगाते हैं, उनके वंद्यों को भी निंदा करते हैं, वंद्यों को, उनकी जो वंदना करते हैं उनकी भी वे निंदा करते हैं, शुभ कर्मों को अंधे करते हैं। और ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग शुभ कर्मों को भी अंधा बना देते हैं, शुभ कर्मों को भी खुली आंखों से देखने नहीं देते या दिखाते नहीं है। इस प्रकार ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोग सागर की उपमा में यहाँ आचार्य ऋषि ने समाज का ही एक प्रकार से वर्णन किया है कि कैसे कैसे लोग होते हैं समाज में, और अच्छे लोगों के प्रति वे कैसा व्यवहार करते हैं, इसका सारा चित्रण इस मुक्त छंद में यहाँ व्यक्त किया गया है। सुकृत की सुषमा सुरभि को सुंगना नहीं चाहते, भूल कर भी विषयों के रसिक बने हैं, कषाय कृषि के कृषक बने हैं, जलधर नाम इनका सार्थक है, जलधर नाम इनका सार्थक है। अगले पेज पर, जड़त्व को धारण करने से जो मति मंद मदांध बने हैं,
ऐसे जो लोग है, ऐसे जो विशेष प्रवृत्ति के दुष्ट लोग है, वे इन तीन बादलों जैसे हैं। ये तीन बादलों का ही वर्णन था वैसे मूल में। ये तीन बादल जो भेजे गए थे पुरुष पात्र, उनको उनकी प्रवृत्तियां इन दुष्ट लोगों जैसी है, और वे सुकृत की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते भूल कर भी। सुकृत की सुषमा, सुकृतियों की सुंदरता, उसकी सुरभि, उनकी सुगंधी, उसको वे सूंघना भी नहीं चाहते भूल कर भी। न उनको कोई अच्छी वस्तुएं, अच्छी चीजें अच्छी लगती है, न उनमें कोई अच्छी बात वे सूंघते हैं या उनको दिखाई देती है या उसका वे स्वीकार करते हैं। ये तो विषयों के रसिक है। विषयों के रसिक, किन विषयों के रसिक? सुकृत सुषमा सुरभि वाले विषयों के रसिक नहीं, पंचेंद्रियों के विषयों के रसिक। विषय जो जानने का विषय है उसे विषय कहते हैं, जो पंचेंद्रिय द्वारा जाना जाता है वो विषय है। हम बाहरी विषयों को जानते हैं, वैसे विषय तो हमारे निज ध्रुव शुद्धात्मा भी को हम बना सकते हैं, उसको गेय बनाकर हम उसका भी स्वरूप देख सकते हैं। परंतु जो विभावों में आकर, विकल्पों में आकर पंचेंद्रियों को लुभाए, ऐसे विषयों के रसिक बनते हैं वे, ये दुष्ट लोग भूल कर भी किसी सुंदरता का बखान नहीं कर सकते, किसी सुंदर कृति को वे चख नहीं सकते, उसका वर्णन नहीं पढ़ सकते, आनंदित नहीं हो सकते। ऐसे ये विषयों के रसिक बने हैं, पंचेंद्रिय के विषयों के रसिक। उन्हें स्पर्श में, उन्हें देखने में, चखने में और सभी इंद्रिय विषयों में, सुनने में, ऐसी बातें सुनने में उन्हें रस आता है कि जो दुष्टता की बातें हैं ऐसी बातें वे पढ़ते हैं, सुनते हैं, और इस प्रकार के विषयों में उन्हें रस आता है। कैसे कैसे मंत्र पढ़े हैं, वशीकरण मंत्र, और कहीं कहीं तो दुष्टों के प्रति ऐसे ऐसे मंत्र फेंकना, उनको मारना और उनको मूठ मार के खत्म कर देना, उनका नाश कर देना, ऐसे ऐसे गंदे गंदे मंत्रों से प्रभावित होने वाले लोग कभी सुकृत की सुषमा को, सुरभि को सूंघना भी नहीं चाहते भूल कर भी, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति ही दुष्टता की होती है। वे कषाय कृषि के कृषक हैं, वे किसान हैं, पर कौन सी फसल बोते हैं? वे कषायों की फसल बोते हैं, तो जैसी फसल बोएंगे वैसी उगेगी, और वैसे ही फसल अपने दाने भी देंगी। अगर कोई पाप कर्म करता है तो पाप कर्म की फसल भी पाप कर्म का बंद ही कराएगी। तो जैसी वे कषाय कृषक के कृषक बने हैं, ऐसी कृषि करते हैं, ऐसी किसानी करते हैं कि जिसमें वे कषाय के बीज बोते हैं, ऐसे वे किसान हैं। ये जो तीन बदलियां हैं वे ऐसे किसान हैं कि वे विषय कषायों के बीज बोते हैं। इनका नाम जलधर है, बड़ा सार्थक नाम है जलधर। दो अर्थ निकलते हैं यहाँ जलधर के। जलधर यानी जल को धारण करने वाले। जलधर बादलों को भी कहते हैं क्योंकि वे जल धारण करते हैं, वे जलधर है। और जलन करने वाले, जलन की प्रवृत्ति को धारण करने वाले भी जलधर है। दोनों अर्थ निकाले। अब यहाँ विषम वृत्ति का वर्णन चल रहा है, दुष्ट वृत्ति का वर्णन चल रहा है, जो सागर की दुष्ट वृत्ति है, तीन बादलों की दुष्ट वृत्ति है। उन वृत्ति में वे जलधर होकर भी जलधर है। जल को धारण करते हुए भी वे जलते रहते हैं। किससे जलते हैं? सुकृति से जलते हैं, उसकी सुषमा से जलते हैं, उसकी सुगंध से जलते हैं। उनको सूंघना नहीं चाहते बल्कि उन्हें, उनकी निंदा करते हैं। तो ऐसी कषाय कृषि के वे कृषक बने हैं,
और जलधर नाम तो इनका वैसे भी सार्थक है, जल की धारणा तो करते हैं, जलन की भी धारणा करते हैं। जड़त्व को धारण करने से जो मति मंद महा मदांध बने हैं, जड़त्व को धारण किया है उन्होंने, जड़त्व को धारण किया है। क्या जड़ है? सारे अजीव तत्व जड़ है। एक जीव तत्व को छोड़कर छह द्रव्यों में एक जीव द्रव्य को छोड़कर बाकी पांच द्रव्य अजीव हैं, उनमें पुद्गल प्रमुख जीव है। ये सारे पुद्गल द्रव्य हैं। ये बादल भी जड़त्व को धारण करते हैं, ऐसे जल को और ऐसी जलन स्वभाव को धारण करने से, जड़त्व को धारण करने से जो अत्यंत मति मंद बन गए हैं। जड़त्व को धारण करने, जड़ वस्तुओं को धारण करने से क्या हो जाता है? जो व्यक्ति अगर कोई जड़ वस्तु अपने सिर पर लेकर चले तो वह हल्के आदमी से, बिना बोझ वाले आदमी जैसा जल्दी जल्दी चल नहीं सकता, क्योंकि जड़ वस्तु को धारण करने से उसकी चाल मतिमंद हो जाती है। वैसे इन तीन बादलों ने जल को, जड़ को धारण कर लिया है, जलन स्वभाव को धारण कर लिया है, अतः उनकी चाल जो है वो मतिमंद हो गई है। उनकी मति भी मंद हो गई है, उनकी चालें भी मंद हो गई है। वे धीरे 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 पृथ्वी की ओर आ रहे हैं। उनकी बुद्धि भी मंद हो गई है, जड़ बुद्धि हो गई है। यहाँ मति शब्द जो आया है वो बुद्धि के लिए आया है, उनकी बुद्धि मंद हो गई है, तो काम नहीं कर रही है। क्या सच क्या झूठ, क्या सही क्या गलत, क्या सुंदर क्या असुंदर, इनका बोध नहीं हो रहा है उनको। उनकी मति मंद हो गई है, वे जड़ बुद्धि हो गए हैं, और जड़त्व को धारण करने से उनकी चाल भी एक प्रकार से मंद हो गई है, और वे मदांध बन गए हैं। मदांध बन जाना, मद में अंधे हो जाना, गर्व से फूल जाना, वे मद में अंधे हो गए हैं, मदांध हो जाना। एक मिनट, गले का अलार्म बंद नहीं हो रहा है, माफ करें। तो उनकी मति मंद हो गई है, वे मदांध बन गए हैं, मद से अंधे बन गए हैं, गर्व से अंधे बन गए हैं। सागर और सागर ने भेजे ये तीन बादल, इनकी ये प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं 230 पृष्ठ पर। इनका नाम यद्यपि पयोधर भी है, तथापि विषही वर्षाते हैं वर्षा ऋतु में ही, अन्यथा भ्रमर सब काले क्यों हैं? यह बात निराली है। वसुधा का समागम होते ही विष सुधा सम बन जाता, सुधा बन जाता है। यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते हैं? शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते हैं? यद्यपि इनका नाम पयोधर है, पयधर, पय जल को, पय को धारण करने वाले, पयोधर, ये पयोधर है, जल को धारण करते हैं, तथापि वर्षा किसकी करते हैं? विष ही वर्षाते हैं, और वह भी वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में ये जल तो बरसाते ही नहीं, विष ही बरसाते हैं। अन्यथा भ्रमर सम काले क्यों हैं? काले वे इतने काले हैं कि भ्रमर भी लजाते हैं उनके कालेपन को देखकर, इतने काले हैं वो। भ्रमर सम काले क्यों हैं? वर्षा ऋतु में विष बरसाते हैं इसलिए वे काले हैं। ये बात निराली है कि
वसुधा का समागम होते ही विश्व सुधा बन जाता है। वसुधा हमारी धरती उदारा, ये उदार धरती उस विष को भी पी लेती है। पहले एक नीलकंठ शब्द आया था, देखिए है ना, जहर पचाने वाला, उसका कंठ नीला हो जाता है। तो ये धरती भी ऊपर से बरसने वाला विष भी सुधा अमृत बना देती है उसको, और फल फूल जाती है, अमृत बना देती है, खेती फसल लहलहाती है, नदियों में तालाबों में सरोवरों में जल भर जाता है, लोग जानवर सभी पानी पीकर तृप्त होते हैं। और नहीं तो उस वर्षा के आगमन की राह देखते देखते किसानों की आंखें पटी की पटी रह जाती है और धरती में भी दरारें पड़ जाती है, हमने देखा है एक छंद में पहले। तो वसुधा की इतनी बड़ी उदारता है, इतना स्वभाव उदार है उसका, कि अगर उस पर कोई विष भी बरसाता है तो वह विष भी सुधा बन जाता है, विष भी सुधा बन जाता है, अमृत बन जाता है। कितनी बड़ी बात है, अगर कोई विष भी बरसाए तो उसको सुधा में बदल देना, अमृत में बदल देना, यह उस धरती की महानता की बात है। एक महान गुण होता है ऐसा कि जो विष को भी अमृत बना देता है, ऐसा महान गुण संतों में होता है, सभी संतों में नहीं, जो सच्चे देव शास्त्र है, सच्चे गुरु है, उनमें होता है कि कोई उन पर विष भी बरसाए, उनको पत्थर मारे, उनको निकाल दे, उनके प्रति असभ्य शब्दों का प्रयोग करे, फिर भी वे हंसते रहते हैं। हमारे आचार्य श्री देखिए हमेशा मंद मुस्कान उनके चेहरे पर क्या दिखाती है, विष को भी पीने वाले और विष को भी अमृत बनाने वाले धरती समान हमारे संत होते हैं। ऐसे संत वसुधा का समागम होते ही विष सुधा बन जाता है। और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हिरकसम शुभ्र क्यों होते हैं, और यह भी एक शंका होती है, आचार्य श्री को शंका हो रही है कि वर्षा ऋतु के अनंतर जब शरद ऋतु आती है तो ये शुभ्र क्यों हो जाते हैं, हीरे कसम हीरे जैसे क्यों चमकने लगते हैं। क्योंकि शरद ऋतु में ठंड में हम देखते हैं हरियाली, धूप पर छोटे छोटे ओस के कण ऐसे चमकते हैं जैसे हीरे हो, या वो बर्फ बन जाते हैं, ठंडे बन जाते हैं, छोटे छोटे ओले गिरते हैं और ओले हीरे सम चमकने लगते हैं। तो ठंड के कारण बर्फ भी पानी भी जम जाता है, उसका बर्फ बन जाता है, उसका ओला बन जाता है और ओले हीरे जैसे चमकने लगते हैं। आगे उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं, उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, और वह अनायास नहीं प्रयास साध्य है। ये चार पंक्तियों का थोड़ा हम गंभीर से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जैसा पहले अनेक बार मैंने बताया था कि आचार्य श्री किसी कथाक्रम के माध्यम से अध्यात्म का रस निचोड़ कर लेकर ही आते हैं। ये सारा इस सागर का, तीन बदलियों का, उनकी दुष्ट प्रवृत्तियों का और उसके माध्यम से समाज स्थिति का, समाज के लोगों का, और सारी प्रवृत्ति के साथ धरती के व्यवहार का भी जो वर्णन चला है, यह वर्णन का इन चार पंक्तियों में क्या आध्यात्मिक मान्यता निकलती है, ये थोड़ा हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। क्या मान्यता निकलती है देखिए, उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं। कौन उपाय कर रहा है यहाँ? सागर उपाय कर रहा है, धरती पर बादल भेजकर सागर ने ये उपाय करने का विचार किया है कि धरती पर प्रलय लाया जाए, धरती को डुबो दिया जाए। तो उपाय की उपस्थिति है, बादलों के माध्यम से उपाय उन्होंने तरह तरह के बनाए, पहले बदलियों को भेजा, अब बादलों को भेजा। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं होती कभी कभी,
उपादेय की प्राप्ति के लिए, उपादेय जो मूलभूत बात है, जहां से उत्पत्ति होती है उसके आगे कुछ नहीं, ऐसी स्थिति, उस उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। अपाय को भी देखना पड़ता है, अपाय की भी अनुपस्थिति अनिवार्य है, और वह भी अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। ये तीन पंक्तियां थोड़ी गंभीरता से आप अवश्य सोचिए इन पर। उपादेय की प्राप्ति के लिए जो प्राप्त करना है, जिसको पाना है, वह उद्देश्य, वह मंजिल, वह ध्येय, उस उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय का भी सहारा, अपाय की भी उपस्थिति, अपाय की अनुपस्थिति अनिवार्य है। अपाय नहीं वहां होना चाहिए, अपाय का बीच में खलल नहीं डालना चाहिए अपाय ने, और अपाय का खलल डालना, अनुपस्थिति करना भी अनिवार्य है। अपाय की अनुपस्थिति में ही उपादेय की प्राप्ति होती है, ये इसका सीधा अर्थ निकलता है। अपाय की अनुपस्थिति में ही उपादेय की प्राप्ति होती है। क्या अपाय है यहाँ? उपाय क्या है, अपाय क्या है, उपादेय क्या है? अध्यात्म की भाषा में कहे तो उपादेय है हमारा निज ध्रुव शुद्ध आत्मा। उसकी प्राप्ति के लिए हमें प्रयासरत रहता है साधक, हम प्रयासरत रहते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं। उपादेय की प्राप्ति के लिए तो क्या करना होगा? उसकी प्राप्ति करने के लिए अपाय की अनुपस्थिति करना होगी, अपायों को हटाना होगा। ये कविता की भाषा है, पर हम अपनी भाषा में कहें तो अपायों को हटाए बगैर उपादेय की प्राप्ति संभव नहीं है। अब अपाय कौन कौन से हैं उपादेय की प्राप्ति में? सबसे बड़ा अपाय करने वाला तो मोह का वशीभूत यह हमारा चेतनात्मा है, यह हमारा जीव है, जो हमारा विभाव की ओर दौड़ता है, विकल्पों की ओर दौड़ता है, पंचेंद्रियों के विषय कषायों में रमता है, अपाय करने वाले सारे विषयों को अपना कहता है, मैं और मैं, मेरा शरीर, मेरा घर बार, मेरे बाल बच्चे, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, मेरा पैसा, मेरी धन दौलत, ये सारे अपाय के विषय है। ये सारे अपाय के विषय हमें उपादेय की प्राप्ति से भेद करके ले जाते हैं, पर इनका हमारे उपादेय की प्राप्ति में भेद विज्ञान के सिवा कि ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, ये मेरे नहीं है, इनको हटाना है। भेद विज्ञान यहां आता है, भेद विज्ञान, ये मेरे नहीं है, न ये व्यवसाय मेरा है, न ये धन दौलत मेरी है, न ये परिवारजन, ये घरवार, न सगे संबंधी, कुछ मेरा नहीं है इस दुनिया में। जिनको मैं अपना मानता हूं वो शरीर भी मेरा नहीं है, वो भी जड़ है। इस जड़ को अपने कंधे पर लेकर, अपने सिर पर लेकर मेरी मति तो मंद होने वाली है, बुद्धि मेरी मंद होने वाली है, अतः इनकी अनुपस्थिति अनिवार्य है। जीवन में से जो भी मोह की बातें हैं, मोह की वशीभूत होकर जो बातें हम अपनी मानते हैं, मेरी मानते हैं, ममत्व करते हैं, उनके प्रति आसक्ति में रत होते हैं, ऐसी सारी विचारों, विकल्पों, ममत्व के भावों, ऐसे भावों को हटाकर ही हम उपादेय को प्राप्त कर सकते हैं। इन भावों को हटाना होगा, भावों का अभाव करना होगा, भावों के अभाव में ही उपादेय की प्राप्ति संभव है। ऐसे भाव जो मोह के वशीभूत होकर हमें हमारे उपादेय तत्व से दूर ले जाते हैं, उसे भूलने पर मजबूर करते हैं,
हम अपने उपाधि तत्व को भूल गए हैं, हमें इसे प्राप्त करना है, अपने निज ध्रुव शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना है। कैसे? हमें अरिहंत भगवान बनना है, हमें सिद्ध भगवान बनना है। हम हैं मूल में हम शुद्ध आत्मा है, पर उसकी ओर हमारी नजर ही नहीं जाती और हम विषय कषायों में अटके रहते हैं, मोह बुद्धि में फंस जाते हैं। ये सारे अपाय के विषय हमें उपाय लगते हैं, सुखी जीवन का मार्ग लगते हैं। बहुत पैसा कमाया, हम सुख में हैं। बाल बच्चे अच्छे कमा रहे, हम सुख में हैं। हमारा अच्छा सा घर बार है, हम सुख में हैं। सब कुछ सुख के साधन हैं, और ये सुख के साधन उपाय समझकर हम इन्हें अपना समझकर अपनाते हैं, अपना मानते हैं, मेरा मेरा कहते हैं। ये मेरे है ही नहीं, इस मेरा भाव से, इसका अभाव करके ही हम उपादेय तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यह करना, यह कृति अपाय करने वाले इन विषयों को हटाकर उपादेय तत्व की प्राप्ति करना आसान नहीं, अनायास नहीं होता। ये इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है? कहीं युद्ध करना है? हाँ, इनसे युद्ध करना पड़ता है, इन्हें भगाना पड़ता है, इन्हें जीतना पड़ता है, तभी तो हम जितेंद्रिय बनेंगे। हम भगवान को जितेंद्रिय कहते हैं, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की कहते हैं। क्या होता है विजय प्राप्त करना? विजय प्राप्त करना वो होता है जो अपायों को अपने पुरुषार्थ से हटा देते हैं, अलग कर देते हैं, भेद विज्ञान को समझते हैं और प्रज्ञा छैनी से उनको अलग कर कर उस उनके कारण जो कार्मण शरीर का निर्माण हो जाता है, ये पुद्गल कार्मण वर्गणाएं जो यहाँ व्याप्त हो जाती है हमारे आकृति में, हमारे आत्म प्रदेश में, उनको हटाकर ही हमें अपने शुद्ध तत्व के सूर्य के ज्ञान सूर्य के दर्शन हो सकते हैं, उनके स्वरूप को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। ये साधक की दशा है। साधक को चाहिए अपाय तत्वों को हटाकर ही उपादेय तत्व की प्राप्ति करें, लेकिन यह काम आसान नहीं, यह काम आसान नहीं, प्रयत्न साध्य है। उसके लिए प्रयासों की जरूरत है, उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, और यही पुरुषार्थ है अपायों को हटाने की ताकत का निर्माण करना। ये मेरा नहीं। अब जो ज्ञानी पुरुष होता है वो समझता है कि यह मेरा नहीं, उनमें रहकर भी वो साधक, वो ज्ञानी ऐसे वातावरण में रहकर भी अपने अपनत्व को नहीं छोड़ता और परत्व में कभी अटकता नहीं। वह स्व में बसता है, पर में नहीं बसता, पर को हटाता है, ये मेरा नहीं कहता है। ये जब इस प्रकार की विचार की प्राप्ति हो जाए, केवल विचार नहीं, केवल विकल्प को हटाना नहीं, तो उनको भूल जाना होता है और मैं को, निज अपने शुद्ध तत्व को, उपादेय तत्व को पकड़ना होता है, उसमें रमना होता है, उसे बार बार खींचकर अपने भागने वाले भावों को पकड़ पकड़ कर वहां तक लाना पड़ता है, उसमें रमाना पड़ता है, तब कहीं जाकर उपाधि तत्व की प्राप्ति होती है। बड़ा सुंदर तत्व सागर के स्वभाव के माध्यम से, तीन बदलियों के स्वभाव के माध्यम से आचार्य श्री ने हमारे सन्मुख रखा है कि यह अनायास नहीं है, यह प्रयत्न साध्य है। केवल माला जपने से, पूजा अर्चा करने से या इस प्रकार के अन्य शुभ कार्य करने से जो तत्व हमें प्राप्त होना है, उसके लिए हमें अपाय तत्वों को छोड़ना होगा, अपाय करने वाले तत्वों को छोड़ना होगा, और उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास पूर्वक बिना पुरुषार्थ करे उनमें उनको हम हटा नहीं सकते। कोई भी साधक उनको हटा नहीं सकता। बड़ी सुंदर बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात
चार वाक्यों में भर देना कोई आसान काम नहीं है, ये तो आचार्य जैसी शब्द प्रभु ही कर सकते हैं। इन चार पंक्तियों पर सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, सारा समय सार लिखा गया है, प्रवचन सार लिखा गया है, नियम सार लिखा गया है, आचार्य जी ने चार पंक्तियों में सारा आशय भर दिया। अपाय तत्व को हटाओ, उपाय तत्व को करो, उपाधेय की प्राप्ति का हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। आगे चलते हैं, बड़ा सुंदर विषय है, पढ़ते हुए मेरा भी मन इतना भाव विभोर हो गया था। इस कार्य कारण की व्यवस्था को स्मरण में रखते हुए सर्वप्रथम वह बादल दल देखते देखते पलभर में अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़ते हैं और घन घमंड गुले गुरु गर्जन करते कहते हैं कि धरती का पक्ष क्यों लेता है, सागर से क्यों चिढ़ता है। वे तीन बादल देखते देखते पल भर में अपने पथ में बाधक बने। कौन बाधक बना उनके पथ में? ये सूर्य, ये प्रभाकर उनके पथ में, उनके मार्ग में, उनके कार्य के मार्ग में। धरती पर प्रलय लाने का कार्य करने उनको भेजा है ना सागर ने, तो उनके कार्य करने में वो बाधक बनता है सूर्य, और प्रभाकर से फिर वे जाकर भिड़े, उससे कहने लगे, कुछ वार्तालाप करने लगे, अपशब्द का प्रयोग करने लगे। क्यों? कि इस कार्य कारण व्यवस्था को स्मरण में रखते हुए। ये कार्य कारण व्यवस्था कौन सी है? ये ऊपर जो अपाय उपाय की बात बताई, ये कार्य कारण व्यवस्था है। एक कार्य अनुपस्थिति को हटा, अपाय की अनुपस्थिति को हटाना है उपादेय की प्राप्ति करने के लिए। उपाय की उपस्थिति में ये हटा कर ही हमें उपादेय की प्राप्ति हो सकती है। ये जैसा हमारे लिए, हमारे आत्म तत्व को प्राप्त करने के लिए है, वैसे दुष्टों के लिए, सागर जैसे बादल जैसे दुष्टों के लिए भी ये बात अनिवार्य हो गई। उनको भी ऐसा लगता है कि हमारे मार्ग में जो बाधक बनते हैं उनको हटाना होगा, तब हमें हमारे उपाय की प्राप्ति हो जाएगी, उपादेय जो हमारा उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति हो जाएगी, जो हमें प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? धरती पर हमें इतनी बरसात करनी है, इतना जल प्रलय करना है कि धरती बह जाए। इसके लिए तो उन्हें कार्य पर लगाया गया था, तो उसका कारण कार्य कारण भाव समझाया यहां आचार्य ऋषि ने, कि कार्य करने के लिए कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण कार्य नहीं होता। इनको कार्य करना है धरती पर प्रलय लाने का, और इस कारण में बाधक बना है सूरज, तो सूरज को हटाना होगा, उसकी अनुपस्थिति में ये कार्य हो सकता है। इस प्रकार इसका उल्टा विषय यहां अपाय तत्वों ने, सागर ने, बादल ने, तीनों बादलों ने यहाँ इस प्रकार का विचार किया है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कभी सीधा विचार नहीं करते, वे इन अपाय तत्वों में ही ममत्व रखते हैं, उनको ही सच्चा तत्व समझते हैं, उनको ही सिद्धांत समझते हैं, उनको ही आगम समझते हैं, और उनको ही सारा जिन शासन समझते हैं, ये विशेष है। तो ये बादल भी इसी प्रकार इन अपाय की अनुपस्थिति में जुड़ गए और प्रभाकर से जाकर भिड़ गए, क्योंकि ये कार्य कारण व्यवस्था का उन्हें स्मरण हो गया। और सर्वप्रथम वह देखते देखते पल भर में अपने में पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़े और घमंड में घुलकर, क्या कहते हैं वे गुरु गर्जना करते हुए, जोर से गड़गड़ाहट करते हैं, गुरु गर्जना करते हैं, और वे प्रभाकर को कहते हैं, अरे प्रभाकर, तू धरती का पक्ष क्यों लेता है, सागर से क्यों चीरता है, सागर से क्यों चीरता है, सागर का विरोध क्यों करता है, तू धरती का पक्ष क्यों लेता है। इस प्रकार वे तीनों बादल सूर्य को कुछ अपना मंतव्य कह रहे हैं। आगे के छंद में और स्पष्ट हो जाता है, अरे खर प्रभाकर सुन,
खर प्रभाकर सुन, भले ही गगनमणि कहलाता है तू, सौर मंडल का देवता वह ग्रह, ग्रह गणों में अग्र, तुझ में व्यग्रता की सीमा दिखती है। अरे उग्र शिरोमणि, तेरा विग्रह यानी देह धारण करना वृथा है। कारण कहाँ है तेरे पास विश्राम गृह? तभी तो दिन भर दीन हीन सा दर दर भटकता रहता है। फिर भी क्या समझ कर साहस करता है, क्या समझ कर साहस करता है सागर के साथ विग्रह संघर्ष हेतु? ये उसको तीनों बदलियां, तीनों बादल सागर को, सागर की तरफ से आए हुए, सागर का कार्य पूरा करने आए हुए अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर को कुछ सुनाई देते हैं। धरती का पक्ष क्यों लेता है, सागर से क्यों चिढ़ता है? अरे प्रभाकर सुन, खर प्रभाकर, खर विशेषण दिया है, खर, खर यानी दुष्ट। अरे दुष्ट प्रभाकर सुन, भले ही तू गगनमणि कहलाता है। सूर्य को गगनमणि कहते हैं, मणि मोती चमकता है, रत्न चमकता है आकाश में, तो रत्न के समान है तू। गगनमणि कहलाता है, आकाशमणि कहलाता है तू, और सौरमंडल देवता ग्रह ग्रह गणों में अग्र है तू, सब में बड़ा है तू, सब में अग्र है, सब में प्रथम है। सौरमंडल में, सारे पूरे मंडल में, सारे विश्व में, सारे आकाश में, सौर मंडल, सौर शब्द सूर्य से ही बना है, सूर्य, सूर्य से सौर, सौर मंडल में, पूरे सौर मंडल में जहां तक सूर्य का प्रकाश फैलता है वो सारा सौर मंडल, सारे देवता, सारे ग्रह, उन सारे ग्रह गणों में तू अग्र है, प्रथम है, अग्र है यानी सबके आगे है। पर तुझ में तो व्यग्रता की सीमा दिखती है, बड़ा व्यग्र है तू, हमेशा व्यग्र रहता है, व्यग्रता की सीमा दिखती है तुझमें। अरे उग्र शिरोमणि, तेरा विग्रह यानी धारण करना वृथा है। एक प्रकार की उसे विग्र शिरोमणि कहते हैं, उग्र शिरोमणि। उग्र क्यों? क्योंकि सूर्य का ताप इतना गहरा होता है, इतना उग्र होता है, आज तक सूर्य के नजदीक कोई जा नहीं सका, अगर जाएगा तो जलकर भस्म हो जाएगा, इतना उग्र ताप। चंद्र तक तो पहुंच गया मानव, परंतु सूर्य तक नहीं पहुंच सकता, कभी पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इतनी तप्तता, इतनी उष्णता होती है, इसलिए उसे उग्र शिरोमणि कहा है। यानी अग्नि का, तप्तता का, वह उग्रता का शिरोमणि सब में श्रेष्ठ। इतनी उग्रता है तुझमें कि तेरा विग्रह यानी धारण करना वृथा है, तेरा देह धारण करना वृथा है, तेरी आकृति, तेरा शरीर, तेरा विग्रह, विग्रह, ग्रह रहित होना, ग्रह विशेष होना, अन्य ग्रहों से रहित विशेष ग्रह है तू, तेरा विशेष ग्रह विग्रह, तेरा ध्यान, तेरा देह धारण करना, यह कोई काम की चीज नहीं है, कोई विषय तेरा ऐसा नहीं है कि जो किसी के काम आए। कारण कहाँ है तेरे पास विश्राम गृह? अरे ठहरने की तो जगह नहीं तेरे पास, क्या घमंड करता है तू? तभी तो दिन भर हीन दीन सा दर दर भटकता रहता है, पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है, रात भर कहाँ रहता है पता नहीं, अंधेरे में, फिर सुबह होते ही निकल आता है। तेरे पास तो कोई विश्राम गृह नाम की चीज ही नहीं है, जो बादलों के पास है, बादलों का विश्राम गृह सागर है, वहां से निकलते हैं वे, वहां रहते हैं वे, तो तू दर दर भटकता रहता है, तेरे पास कोई घर भी नहीं है, तू ग्रह है, विग्रह है, देह धारण करना तेरा वृथा है, तो क्या समझ कर तू साहस कर रहा है? अरे तू सागर से भिड़ रहा है, क्या समझ कर सागर से भिड़ रहा है तू? सागर के साथ तू विग्रह संघर्ष हेतु भिड़ रहा है क्या? अरे तुझमें ताकत है क्या इतनी जो तू सागर से भिड़े? तू सागर का पक्ष ले ले, सागर से चिढ़ मत, धरती का पक्ष छोड़ दे। ये सारे कहने का आशय है उन तीन बादलों का। थोड़ा सा और ले लेते हैं।
अरे अब तो सागर का पक्ष ग्रहण कर ले अनुग्रह अपने पर और सुख शांति यश का संग्रह कर। अवसर है अवसर से काम ले, अवसर से काम ले, अब तो छोड़ दे उल्टी धुन। अन्यथा अगले पृष्ठ पर थोड़ा देखिए, अन्यथा ग्रहण की व्यवस्था अविलंब होगी। अकीर्ति का कारण कदाग्रह है और कदाग्रही को मिलता आया है चिर से कारागृह। अब क्या होगा? अरे अब तो सागर का पक्ष तू ग्रहण कर ले, सागर के साथ में हो जा, अपने पर उसकी कृपा दृष्टि कर ले, अनुग्रह कर ले और सुख शांति यश का संग्रह कर ले। क्योंकि जब तू सागर के पक्ष में आएगा तो सुख पाएगा, शांति पाएगा, यश पाएगा। अभी अवसर है, अवसर से काम ले, नहीं तो हम तेरे ऊपर चढ़ाई कर देंगे, हम धरती को जलमय बना देंगे। अरे अवसर से काम ले, अब तो सर से काम ले, बुद्धि से काम ले। सर से काम लेना, बुद्धि से काम लेना, अब तो बुद्धि से काम ले। छोड़ दे उल्टी धुन, तेरे बुद्धि की उल्टी धुन छोड़ दे, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो ग्रहण की व्यवस्था अविलंब होगी, तुझ पर ग्रहण लगा देंगे। ग्रहण किसका? राहु, राहु केतु का ग्रहण होता है ना, चंद्रमा पर भी लगता है, सूरज पर भी लगता है। और कहते हैं कि राहु सूरज को निगल लेता है, क्योंकि जब राहु बीच में आ जाता है धरती और सूरज के, तो सूरज को वह ढक देता है और प्रकाश बिल्कुल मंद हो जाता है। यह प्रकाश अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण हो गया तो दिन में ही, दिन के समय में ही रात का अंधेरा हो जाता है। तो ग्रहण की व्यवस्था अविलंब हमें करनी पड़ेगी। धमकी देता है सूरज को, धमकी देता है ये तीन बादल सूरज को धमकी दे रहे, दे अगर तू सागर के पक्ष में नहीं आया तो हम तेरा तेरे ऊपर ग्रहण डाल देंगे। और अकीर्ति का कारण है, तेरी अकीर्ति हो जाएगी कि राहु ने तेरे को निगल लिया। और तू कदाग्रही है, अकीर्ति का कारण कदाग्रह है, कदाग्रह, खोटा आग्रह, झूठा आग्रह, हठ जिसे कहते हैं हम, जिद जिसे कहते हैं, अकीर्ति का कारण है। ऐसी जिद करना, सागर का पक्ष न लेते हुए धरती का पक्ष लेना, ये कदाग्रह है। और कदाग्रही को हमेशा कारावास ही मिलता है चिर से, अनंत काल से उसे कारागृह मिलता है। जो हटाग्रही है, अपनी जिद नहीं छोड़ता, उसे कारागृह जेल में जाना पड़ता है और वह कभी वहां से उसकी छुट्टी नहीं होती। कदाग्रही को जेल में जाना पड़ता है, कैद हो जाती है, आजीवन कैद हो जाती है। हम भी आजीवन कैद में बैठे हैं ना बहनों और भाइयों, हमें इस कारागृह से छुट्टी नहीं मिलने वाली, क्योंकि हम कदाग्रही बन गए हैं। ये शरीर मेरा, ये धन दौलत, ये परिग्रह, ये परिवार, ये घर बार, ये व्यापार धंधा, ये नौकरी, ये सारे कुछ, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगले, ये सब मेरे हैं। मैं ये मेरा शरीर, ये मेरी आंखें, ये मेरे हाथ। अपने प्रति इतना घमंड हमारे लिए है, हम कदाग्रही हैं। और कदाग्रही को हमेशा क्या मिलता है? पाप का बंध मिलता है, और पाप के बंध से आजीवन जेल भुगतनी पड़ती है, बार बार संसार चक्र के, जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। क्या है ये संसार की जेल? ये चक्र है, इस जन्म से उस जन्म में कभी नारकी हुआ, कभी मनुष्य हुआ, कभी त्रिलंच हुआ, कभी देव हुआ, पर संसार का चक्र नहीं छूटता, मुक्ति नहीं मिलती दुखों से। किसी भी जन्म में हो, दुख उसके तकदीर में लिखा होता है। यह संसार रूपी जेल हमें इसी जिद के कारण, इसी कदाग्रह के कारण, मैं मेरा ममत्व, आसक्ति, शरीर से लेकर बाहर की सारी बातों से जो आसक्ति, जो ममत्व हमें है, यही हमारा कदाग्रह है। तो कदाग्रही को क्या मिलता आया है? चिर से, अनादि काल से उसे कारागृह मिलता आया है।
संसार का कारागृह मिलता आया है, बार बार जन्म मरण का कारागृह मिलता आया है। ऐसे कठोर कर्कश कर्ण कटु शब्दों की मार सुन दश दिशाएं बधिर हो गई, नभ मंडल निस्तेज हुआ, फैले बादल दलों में डूब सा गया, अवगाह प्रदाता अवगाहित सा हो गया। ये बादलों की कठोर कर्कश कर्ण कटु, ये उलाहने, ये शब्दों की मार, ये सुनकर सारी दिशाएं भी बधिर हो गई, कुछ उनको सुनाई नहीं दे रहा है, दश दिशाएं भी बधिर हो गई, नभ मंडल भी निस्तेज हो गया। बादल छा गए ना, आकाश में बादल छा गए, तो फैले हुए बादल दलों में डूब सा गया कौन? अवगाह प्रदाता, सबको जगह देने वाला आकाश, सबको अपने में अवगाहना देने वाला आकाश, जगह देने वाला, स्थान देने वाला आकाश भी अवगाहित सा हो गया, अवगाहित हो गया। इस बादलों के दलों में, दलों के कारण जो कुछ निस्तेजता फैल गई थी सारे आकाश में, उस निस्तेजता को, उस निस्तेजता ने आकाश को भी निगल लिया, आकाश भी उस निस्तेजता में अवगाहित हो गया, डूब गया। यानी आकाश में भी एक प्रकार की निस्तेज व्यवस्था, सारा नभमंडल अवगाहित हो गया, उसमें डूब गया, सारा निस्तेज हो गया। जब घने बादल छा जाते हैं आकाश में तो सब तरफ आकाश भी निस्तेज हो जाता है, उसकी चमक भी कम हो जाती है, और प्रभाकर का प्रभा मंडल भी कुछ कुछ निष्प्रभ हुआ करता है कि अब प्रभा मंडल, प्रभाकर का प्रभा मंडल निस्तेज हुआ, निष्प्रभ हुआ, फिर भी वो कहने लगा प्रभा मंडल, उसकी सारी किरणों की लहरों का जो मंडल सारे आकाश में फैलता है, वो कहने लगा अरे ठगो, किनको कहने लगा? बादलों को कहने लगा, अरे ठगो, औरों को ठककर ठहाका लेने वालों, अरे खंडित जीवन जीने वालों, पाखंड पक्ष से उड़ने वालों, रहस्य की यह बात समझने में अभी समय लगेगा तुम्हें, रहस्य की यह बात समझने में समय लगेगा अभी तुम्हें। अरे ये जो प्रभा मंडल निस्तेज हो गया था, निस्तेज होने के बाद भी वो बादलों को कहते हैं अरे ठगो, ठगने वालों, ठगाने वालों, अरे ठगो, औरों को ठग कर, औरों को ठगाते हो और ठहाका लेते हो, हंसते हो, अरे खंडित जीवन जीने वालों, अरे तुम्हारा खुद का जीवन भी तो खंडित है। खंडित क्यों कहा? सागर से निकला, अलग हुआ, वहां भी खंड हो गया, जल बरसा दिया, खत्म हो गया, वहां भी खंडित हो गया। तो इस प्रकार खंडित होने वालों, हे बादलों, अरे ठगो, औरों को ठककर ठहाका लेते हो, हंसते हो, और तुम स्वयं खंडित जीवन से जीने वाले हो, पाखंड पक्ष से लेकर, पाखंड पक्ष को लेकर उड़ने वाले हो, अभी तुम्हारे इन काले दिमाग में रहस्य की बात समझ में कहां से आएगी, अभी बहुत देर लगेगी तुम्हें, अभी तुम अज्ञान के अंधकार में डूबे हो, अज्ञान फैला रहे हो, अज्ञान को ही अपना ज्ञान समझ रहे हो। अरे पाखंडो, ठगते हो लोगों को, स्वयं भी ठग रहे हो, तुम ठग हो, स्वयं को ठगते हो, लोगों को ठगाते हो, और इस प्रकार तुम पाखंड पक्ष का साथ देते हो, उनसे निकलकर खंडित होकर निकलते हो, उड़ते हो। अभी जो रहस्य की बातें है वो तुम्हें समझ में कहां से आएगी, अभी बहुत देर लगेगी, ऐसे कई जन्म लेने पड़ेंगे तुम्हें, एक बार कहने से समझ में नहीं आएगी तुम्हारे। तुम पाखंडी हो, ठग हो, खुद ठगते हो, औरों को ठगाते हो, अभी बहुत समय लगेगा तुम्हें। गंदा नहीं बंदा ही भयभीत होता है विषम विघन संसार से,
और अंधा नहीं आंख वाला भयभीत होता है परम सघन अंधकार से। अरे ठगो हाँ, गंदा नहीं बंदा भी बंदा ही भयभीत होता है विषम विघन संसार से। बंदा किसे कहते हैं? जो भगवान का भक्त होता है, आत्मा का भक्त होता है, संतों का भक्त होता है, वे बंदा होता, वह बंदा होता है, बंदा उनसे बंधा हुआ होता है, इसलिए बंदा वह बंदा है। लेकिन गंदी बातों से ये बंदा ये भक्त भी भयभीत हो जाता है। गंदा तो भयभीत है ही, पर ये बंदे भी भक्त भी भयभीत होते हैं विषम विघन संसार से। ये जो विषम संसार है इसे ये बंदे भी भगवान के भक्त भी संतों के भक्त भी एक प्रकार से भयभीत होते हैं, डरते हैं, अज्ञान से डरते हैं, अज्ञान अंधकार से डरते हैं, विषम बातों से डरते हैं, गलत बात गलत कार्य गलत क्रिया करने से डरते हैं, अपने आप को उनसे बचाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। अंधे नहीं आंख वाले जो हैं वो ही भयभीत होते हैं इनसे विषम बातों से। आंख वाले जिनकी आंख है, जिनकी दृष्टि है, जिनको सम्यक दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है, क्या सही क्या गलत पहचानने की यथार्थ दृष्टि सम्यक दृष्टि है, वे आंख वाले, ऐसी आंख वाले ही ऐसी गंदी बातों से विषम बातों से विघ्न डालने वाली बातों से संसार से भयभीत है। उनसे वे चार हाथ दूर रहते हैं, अलग रहते हैं, कभी उस मार्ग से नहीं जाते, न उनका अनुसरण करते हैं, पाखंडों का अनुसरण नहीं करते, गलत बातों का अनुसरण नहीं करते, क्योंकि वे आंख वाले हैं। उनको क्या सही क्या क्या सही क्या गलत का ज्ञान है, वे ज्ञानी हैं, वे धर्मी जीव है। सही धर्म क्या है, जीव का आत्मा का धर्म क्या है जानते हैं, वे धर्मी जीव है। ऐसे धर्मी जीव परम सघन अंधकार से डरते हैं कि जो कारागृह में डाल दे, ऐसे अंधकार से वे डरते हैं। हमारा समय सूचना दे रहा है, हम यहाँ विराम लेते हैं, अगले रविवार को फिर मिलेंगे। आचार्य श्री क्षमा करें, कोई गलत अतिशयोक्तिपूर्ण बात मुझसे निकल गई हो, अर्थ लगाने में कोई चूक हुई हो तो बारंबार क्षमा याचना करती हूँ, गुरुजनों से क्षमा याचना करती हूँ। साधर्मी बहनों और भाइयों, केवल मूकमाटी काव्य वाचन नहीं है, मूकमाटी अध्यात्म की गहरी पैठ है। जो डूबने से डरता है वो किनारे बैठा रहता है। इस प्रकार की युक्ति हमारे जीवन को बदल दे, हमें अंधकार से निकाले, प्रकाश दे, उजाला दे, यही दीपावली का संदेश है और यही हमने अंगीकार करना है। नवनिर्माण वर्ष की सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ विराम लेती हूँ। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक सदा देत हो।